हेलो बच्चों, आज हम टॉपिक ले रहे हैं इस क्लास का क्यूब एंड क्यूब रूट्स और 7.2 के ले रहे हैं इसकी 7.2। इसमें हम क्यूब रूट निकालना सीखेंगे प्राइम फैक्टर मेथड से। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसको। इससे पिछली वीडियो में हमने बात की थी इंट्रोडक्शन के बारे में और 7.1 के कुछ हमने क्वेश्चंस लिए थे। तो ये वीडियो भी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एस्टिमेशन से क्यूब रूट कैसे निकालें। पहले हम ले रहे हैं किससे, प्राइम फैक्टर से। देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। तो पहला हमारा पार्ट है 64। तो सिंपल क्वेश्चन लेते हैं, 64 का क्यूब रूट कैसे निकालेंगे। तो ये सिंबल है क्यूब रूट का, ओके। 3 बाहर लिखा होगा इसमें, क्यूब का मतलब 3 होता है और 3-3 के पेयर बनते हैं इसके अंदर। शुरू करते हैं, तो इसको हमें क्यूब रूट निकालना है। तो 64 को हमने प्राइम फैक्टर से करना है। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 16 टाइम गया, देन 8 टाइम 4, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। तो इसको अगर हम देखें, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6, और ये क्यूब रूट फाइंड कर रहे हैं हम। तो ये 3 का पेयर मतलब 2 और 2, तो 4 इसका एक आंसर है। ये एक प्रोसेस है प्राइम फैक्टर से क्यूब रूट निकालने के लिए। एक और पार्ट लेते हैं इसका, 10648, ये थर्ड पार्ट है इसका, 10648। इसको प्राइम फैक्टर से निकालते हैं। 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, देन 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12 और 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 3 6 2 1 जा 2। अब ये नंबर 11 से जाएगा, देखिए 1 3 3 1, ये क्यूब है 11 का। तो ये हल्के से क्यूब आपको 15 तक कम से कम याद होने चाहिए। जैसे मैंने आपको स्क्वायर के लिए कहा था कि 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर, जैसे 15 का स्क्वायर होता है 225, 25 का होता है 625, 26 का स्क्वायर होता है 676। तो इस जितना प्रैक्टिस करेंगे वो जल्दी याद होंगे। 11 में हम देख पा रहे हैं कि ये 11 से जाएगा, तो 1 2 1 में, फिर 11 टाइम और फिर, तो ये टाइम बचाता है आपका। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतने अच्छे से क्वेश्चन आप कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ 2 का पेयर बना, 11 का पेयर बना। तो मैं अगर इसकी बात करूँ 10648 की, तो हमने इसको पेयर में किया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 11 11 और 11। तो यहाँ से 2 बाहर आया, 11 और 22 अपर आंसर। यानी 20 को हम क्यूब करेंगे तो ये मिल जाएगा, और अगर 10648 का क्यूब रूट निकालेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये एक छोटा सा तरीका था प्राइम फैक्टर से क्यूब रूट निकालने का। अब एक मेथड लेते हैं जिसे बोलते हैं एस्टिमेशन मेथड, इंपॉर्टेंट है। उसमें कैसे फाइंड करते हैं क्यूब रूट को देखते हैं। इसमें अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो आपको क्वेश्चन नंबर 3 आइए। चलिए जैसे हम लेते हैं कोई क्वेश्चन आपका 17576, अब इसका हमें क्यूब रूट निकालना है एस्टिमेशन मेथड से। किससे निकालने की कोशिश करते हैं, एस्टिमेशन मेथड से। चलिए इसके लिए पहला स्टेप यह है कि आप यहाँ से 3 का पेयर बनाइए और इसको पेयर में छोड़ दीजिए, यानी पीछे से पेयर बनाना शुरू कीजिए। तो आपका पेयर क्या बना, 576। तो लास्ट का जो 1 डिजिट है इसको ले लीजिए और इसका क्यूब कर दीजिए, तो कितना क्यूब आएगा, 216, 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, तो वी गेट 216। तो इसका यूनिट का नंबर ले लीजिए 6, जो यूनिट प्लेस पे नंबर आया उसको ले लीजिए। एक नंबर आ गया आपका। अब ये देखिए 17, अब 17 के लिए आप क्या करें, यहाँ क्यूब लिख लें कुछ, 2 का क्यूब, 2 8, 3 का क्यूब करेंगे तो 27, 4 का क्यूब करेंगे तो 4 4 64, और 64 को 4 से 256। अब जैसे यहाँ पे 17 बचा आपका, तो 17 जो है वो 2 का क्यूब क्या है 8, और 3 का क्यूब क्या है 27, इसके बीच में आता है, यानी कि 8 और 27 के बीच में आता है 17। देख रहे हैं 2 का क्यूब क्या है 8 और 3 का क्यूब क्या है 27, तो इसके बीच में क्या रहा है 17। तो 2
और 3 में जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसको लेंगे यानी कि 2। तो ये जो 1756 है ये क्यूब किसका है, 26 का। नेक्स्ट मैं एक और क्वेश्चन लेते हैं। इसी का ले लेते हैं, 1331 का ले लेते हैं, ठीक है। पेयर बना ये पीछे से, तो ये 3 का पेयर बना, फिर ये फर्स्ट का पेयर बना। तो 3 का पेयर को ऐसे ले लीजिए, जो इसका यूनिट प्लेस नंबर है उसको लीजिए और क्यूब करिए 1 × 1 × 1, तो एक नंबर तो 1 आ गया हमारे पास। अब ये जो 1 बचा, ये 1 का क्यूब करो तो 1 आता है, 2 का क्यूब करो तो 8 आता है, ठीक। अब जो 1 है ये 1 के और 2 के क्यूब के बीच में आ रहा है, देखो 1 और 8 के बीच में आ रहा है ना। अब 1 और जो 2 है ये दोनों में छोटा कौन सा है, 1, तो यहाँ 1 लगा दीजिए, यानी ये आ गया 11 आपका आंसर। सिंपल एस्टिमेशन मेथड से बहुत जल्दी आंसर निकलता है। जैसे और लेते हैं क्वेश्चन, 1728 ले लीजिए आप। इसको आपको निकालना है एस्टिमेशन से, ठीक है। बनाइए पेयर पीछे से, ये 3 का पेयर बनाया, ये 1 रह गया, इसको ले लीजिए 728, और जो यूनिट डिजिट नंबर है 8, इसका क्यूब कर दीजिए, तो इसका क्यूब आता है 512। 8 का करेंगे तो 512, तो इसका यूनिट डिजिट क्या आ गया, 2, ठीक है। अब जो ये 1 है, इस 1 को हमें चेक करना है किसके क्यूब के बीच में आ रहा है। देखिए यहाँ 1 का क्यूब लगा दीजिए, तो 1 जो है वो 1 और 2 का क्यूब है, 1 और 8 इसके बीच में आ रहा है, 1 और 2 के क्यूब के बीच में आ रहा है, छोटा नंबर क्या है, 1, तो यहाँ 1 लगा दीजिए, खत्म। क्यूब रूट निकालने के लिए एस्टिमेशन मेथड से एक और क्वेश्चन लेते हैं। चलिए एक पार्ट और ले लेते हैं इसका, इसी में से ले लेते हैं। चलिए ये ले लीजिए 2197, आपको इसको चेक करना है। चलिए 3 का पेयर बनाइए, 197 लिया, लास्ट में 7 का क्यूब लिया, 7 × 7 × 7 यानी कि 49 × 7 यानी आ गया 343, ओके। और इसका यूनिट डिजिट क्या है, 3, वो यहाँ रख लिया हमने, ठीक। अब ये देखते हैं, ये जो बचा 2, सिंगल नंबर बचा 2, ये किसके क्यूब के बीच में आ रहा है, 1 का क्यूब 1 है और 2 का क्यूब 8 है, तो 2 जो है इसके बीच में आ रहा है, 1 और 8 के बीच में, तो ये किसके क्यूब है, 1 और 2 के। अब 1 और 2 में छोटा कौन है, 1, तो यहाँ 1 आ जाएगा, बस। ये एक तरीका था एस्टिमेशन से क्यूब रूट निकालने के लिए। प्रैक्टिस करते रहिए, कोई प्रॉब्लम आएगी तो बताइएगा। थैंक यू।